हाय फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज शुरू की हुई है एस्ट्रोलॉजी वर्सेस पैरासाइक्लोजी। उसमें हम मांगलिक के ऊपर बात कर रहे हैं। इसके पूरे पीछे के वर्जन आप चाहें तो वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल के आठवें भाव में होने की। अगेन, आठवें भाव में जब मंगल होगा तो क्या होगा, ये हमें समझने की बात है। एट्थ भाव में मंगल होने से तीन चार चीजों पे मेन फर्क पड़ता है। फर्स्ट, आप पे अपने पे जो हेल्थ है आपकी, आपकी फैमिली पे और डेफिनेटली आपकी इनकम प्रोस्पेक्ट पे। इन तीन चीजों पे बहुत ही डीपली फर्क डालता है और इसके अंदर आपका जो ब्रेन वेव इंपैक्ट है वो भी उतना ही डीपली डलता है, क्योंकि ब्रेन वेव की वजह से आप हमेशा या तो गामा वेव में रहते हैं और या आप डेल्टा में चले जाते हैं और उसके वजह से डिसीजन बहुत गलत लेते हैं। और कभी कभी हम इतने गलत डिसीजन लेते हैं, कभी कभी हम इतने फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं अपनी बीमारियों से, हम सोचते हैं हम अलाइव ही क्यों। सो दिस काइंड ऑफ डिप्रेसिव मोमेंट्स, क्योंकि मंगल, अगर आपको याद होगा, मैंने आपके पहले वीडियो में बताया था जो मांगलिक को लेके था कि मंगल का जो इम्पैक्ट है वो ब्लड से रिलेटेड है एज पर एस्ट्रोलॉजी। और पैरासाइकोलॉजी हमें इस बात में काफी चीजों में सपोर्ट करती है। तो इसमें हम लेके चलते हैं, सबसे पहले मंगल का इम्पैक्ट हेल्थ पे क्या आता है। हेल्थ के ऊपर दो तरह की हेल्थ हो सकती है, एक मेंटल हेल्थ और एक फिजिकल हेल्थ। सबसे पहले हम लेते हैं मेंटल हेल्थ, राइट। मेंटल हेल्थ के अंदर सबसे खतरनाक काम जो मंगल अगर एड्स भाव में है, ये आदमी तंत्र विज्ञान का ऊपर इतना विश्वास करेंगे कि जितने हमारे लोकतांत्रिक हैं उन सब की रोजी रोटी इन्हीं लोगों से चले। यही लोग हैं जिनका विश्वास बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये तंत्र के ऊपर इतना विश्वास करते हैं, कई बार तो लाखों रुपया फूंक देते हैं। तो तांत्रिक विज्ञान के ऊपर इनका विश्वास ज्यादा होगा अगर मंगल एट्थ भाव में हो। इल्यूजन्स बहुत होंगे इनको, गॉस दिख रहा है, ये इल्यूजन्स है। अगर आप थोड़ा सा भी जानते होंगे, एक मेहंदीपुर बालाजी है, वहां पे जितने लोग जाते हैं वो इल्यूजन के लोग ही जाते हैं, राइट। साइकोलॉजी उस पर बिलीव नहीं करती है, लेकिन वो जितने भी लोग वहां जा रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजिकल अगर आप चेक करोगे कहीं ना कहीं मंगल का एट्थ भाव पे प्रभाव होगा, नहीं तो लोग वहां नहीं जाएंगे, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ फोबिया, जो फोबिया आपने अभी तक सुने हैं, ट्रेन का फोबिया, प्लेन का फोबिया, पानी का फोबिया, हाइट का फोबिया, मैक्सिमम फोबिया जो भी आपने सुने हैं वो फोबिया, ठीक है। इमोशंस एंड फीलिंग्स विल बी वेरी वेरी वीक। अब इमोशंस और फीलिंग का क्या मतलब है, गलती से आप किसी को देखने हॉस्पिटल चले गए, आपके रिलेटिव बीमार है और वहां आपने 15 से 20 मिनट या आधा घंटा बिताया, आप उसके घर से अपने घर बाद में पहुंचोगे, पहले ही आपको सेम सिम्टम आने लगेंगे जो सिम्टम उसने बताया। मतलब वेरी सिंपल कि किसी को जो प्रॉब्लम है आप विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, विद इन हाफ एन आवर, वन आवर आप फील करने लगते हो कि मेरे को वो प्रॉब्लम होगी। किसी के टांग में दर्द है तो आपके दर्द हो गया, किसी के हेडेक है तो आपको हेडेक हो गया, किसी को अगर हार्ट का प्रॉब्लम है आपको भी हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, जबकि आप बिल्कुल फिट हो। मेडिकली अगर आप जाके कोई भी अपना टेस्ट कराते हो तो यू आर फिट। So, ये जो फीलिंग्स हैं हाई आ जाती, ठीक है। ओवरथिंकर एंड नेगेटिव थॉट्स, इतनी ज्यादा ओवरथिंकिंग करेंगे कि आप सोच सोच के सारी दुनिया में आपसे ज्यादा सोचने वाला इंटेलिजेंट आदमी, लेकिन उसको खत्म किस पे करेंगे, नेगेटिव थॉट। और बार बार वो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग को पुश करती रहेंगी। ये सब मंगल का प्रभाव है जो मैं आपको बता रहा हूं। आर्टिफिशियली मोटिवेटेड
बड़ी बड़ी बातें, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं। ठीक है, ये आपके साइकोलॉजिकल इशू हो गए। अब आते हैं हम हेल्थ की क्या प्रॉब्लम, ये मेंटल हेल्थ होगी, फिजिकल हेल्थ। मंगल के प्रभाव से फिजिकल हेल्थ के अंदर ऑल ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड की थिकनेस होना, ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होना, ब्लड से हार्ट के अंदर कोई इशू होना, सारा का सारा मंगल की देन है, क्योंकि मंगल ब्लड से रिलेट करता है एस्ट्रोलॉजी। और अब आते हैं पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी के अंदर ये सारी चीजें को हम बोलते हैं दीज ऑल द हलुसिनेशंस, ये सारे हमारे क्रिएशन हैं और हम इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। देयर आर द प्लांट थेरेपी फॉर ईच एंड एवरीथिंग, इन सब चीजों के लिए प्रॉपर साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ बनी हुई है। अगर आप फॉलो करते हैं वो थेरेपीज़, डेफिनेटली 5 to 10 थेरेपीज़ में आप ठीक हो जाते हैं। और हर एक चीज जैसे फोबिया की अलग है, इल्यूजंस की अलग है, इन सब की थेरेपीज़ बनी हुई है। अगर आपके नेगेटिव थॉट्स हैं उनकी थेरेपीज़ बनी हुई है। तो दीज आर द थिंग्स इन टू दैट। अब मेरे से लोग पूछते हैं कि कभी कभी एस्ट्रोलॉजिकल, तो मैंने पिछली बार बताया था आपको मैं एस्ट्रोलॉजिकल आंसर को नहीं देता, क्योंकि तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई आपकी पूरी कुंडली और दशाएं ना देख ले। पर एट्थ भाव में अगर मंगल है तो 2-3 चीजें कोई भी कर सकता है एज पर एस्ट्रोलॉजिकल। अगर आदमी है तो उसे कार्तिकेय जी या हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, अगर कार्तिकेय जी का मंदिर उसके पास आसपास एरिया में, क्योंकि कार्तिकेय जी के बहुत सिलेक्टिव मंदिर है। और अगर वोमेन है तो उसको सिर्फ हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, वो भी सुंदरकांड, सिर्फ सुंदरकांड या रामायण, हनुमान चालीसा नहीं, सुंदरकांड स्पेसिफिकली। और अगर आपको पैरासाइकोलॉजिकली इसको देखना है तो यू हैव टू फॉलो द थेरेपीज, ताकि आपके जो मेंटल डिसऑर्डर है, जो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो सके। ये प्रॉब्लम का मेडिकली मेडिसिन इलाज है। पर क्या बीपी की मेडिसिन है ऐसी कि जो उसको ठीक कर दे? नहीं बोले, लेकिन आपका स्ट्रेस कम होगा तो धीरे धीरे बीपी कंट्रोल में आने लगेगा और आप कंफर्टेबल फील करोगे। तो ये हमारा मंगल का एट्थ भाव का मांगलिक और पैरासाइकोलॉजिकली क्या क्या प्रॉब्लम होती है और उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं वो मैंने शेयर किए। इस बारे में कोई भी आपकी क्वेरीज इसको लेके डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डालिए, वी विल रिवर्ट यू। आपका स्पेसिफिकली इस वीडियो के लिए की कोई क्वेरीज हो तो हमसे जरूर शेयर कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।